देखो, मैं महंत बिट्टा जी बाव फोर्ट से बोल रहा हूँ। हमारे पास जो गवर्नमेंट की एसओपी है उसी के मुताबिक हम चल रहे हैं। पहले तो आपकी थर्मल स्क्रीनिंग का काम है, फिर सोशल डिस्टेंस बड़ा ज़रूरी है, हाथ आपके सैनिटाइज होने चाहिए, डिस्पेंसर हमने लगाए हुए हैं। देखो, तीन चीज़ों पर ही जोर है गवर्नमेंट ने हमको दिया है कि सोशल डिस्टेंस बनाओ और मास्क पहनो और हाथ सैनिटाइज करो। देखो, सोशल डिस्टेंस में हमको प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है कि लोग मेंटेन नहीं कर रहे। उसमें यही है कि आप ज़रूरी नहीं है, हम लोगों से अपील करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आप संडे को ही आओ, ट्यूसडे को आओ, वेडनेसडे को आओ, मंडे को आओ, थर्सडे फ्राइडे, तभी तो रश डिवाइड होगा। अब तो देखो बुजुर्ग भी खुल गए हैं, बच्चे भी खुल गए हैं। बाकी देखो, सुबह जो टाइमिंग है अब हमने 6 की जगह 5 बजे कर दी है। 5 बजे दरबार खुलेगा और 1 से 2 बंद है और फिर रात को 8:30 बजे तक। बाकी आप आइए, ये माता रानी बैठी हैं, इन्होंने जम्मू की रक्षा की है, आगे भी कोविड से आपको बचाएंगे। बाकी जो गवर्नमेंट की तरफ से है वो उस पर अमल आपको करना पड़ेगा। मंदिर में नवरात्रों को लेके जो रश रहता है डिवोटीज़ का, जो डेली रूटीन से भी आने वाले हैं, तो इस रश को देखते हुए हमने हर तरह की सिक्योरिटी का और हर चीज़ जो है वो हाइजीनिक तरीके से रहे और उसका पूरा ध्यान रखा है। सिक्योरिटी को लेके मतलब हमारी फोर्स और जो डिप्लॉयड स्पेशल फोर्स है वो हर तरह से अलर्ट और सजग है। किसी तरह की कोई कोताही सिक्योरिटी को लेके नहीं बरती जाएगी। जहाँ तक कोविड प्रोटोकॉल का सवाल है, तो वहाँ हमने पहले से मार्केट में जो भी मार्केट से जाने वाला प्रसाद है या फूल है या और पूजा की कोई चीज़ है, तो उसको पहले ही हमने कैंप लगा के वो कर दिया है। तो जो शॉपकीपर्स हैं मार्केट के, उनकी सबकी जो वैक्सीनेशन है, जिनकी डबल डोज हुई है या जिनकी सिंगल हुई थी, डबल नहीं हुई है या जिन्होंने करवाई ही नहीं, तो वो हमने कैंप लगवा के कंप्लीट करवा दी है, ताकि किसी तरह का कोई डाउट ना रहे, ताकि कोविड को हम पूरी तरह से भूल नहीं सकते हैं। ये अभी कंटिन्यू ही है, कुछ केसेस जो हमें सामने आ रहे हैं तो उनको देखते हुए प्रोटोकॉल का जो कोविड का है उसको पूरा ध्यान रखा हुआ है। और सिक्योरिटी का जो अंदर का है वो हमारी जो स्पेशल फोर्स है, संतरी अलर्ट हैं, मंदिर की सिक्योरिटी को पूरा टाइट करके रखा है। किसी तरह की भी कोई भी केयरलेसनेस नहीं बरती जाएगी, ताकि आने वाले यात्रु जो हैं वो श्रद्धा से पूरी मंदिर में पहुंच के अच्छी तरह से दर्शन करके और वो आराम से जाएं, किसी तरह की कोई असुविधा उनको ना हो, इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखा गया है। अनुरोध सबसे यही है कि वो मंदिर में आने से पहले अपने आप को मास्क के साथ आएँ और सैनिटाइज़र वगैरह और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, ताकि हम कोविड को भूल नहीं सकते हैं। जय माता दी, जय। फैक्ट्री आई।